नईमबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल का नाम देने का निर्णय राज्य सरकार ने ले लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें साफ तौर पर यह कह दिया कि अब बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं रहेगा, दीपा पाटिल का ही नाम दिया जाएगा। इस नामकरण आंदोलन को लेकर जो सर्वपक्षीय कृति समिति है वो लंबे समय से प्रयास कर रही थी, मांग कर रही थी, कई आंदोलन हो चुके। इस वक्त हमारे साथ इस कोर कमेटी के मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता रामसेठ ठाकुर हैं। सर, कितनी खुशी हो रही है आपके आंदोलन को आज एक तरह से सफलता मिल गई? बहुत खुशी हो रहा है। हम वैकल्पिक समिति जो है जो है कि दीपा पाटिल साहब का नई मुंबई एयरपोर्ट को नाम देने के लिए जो दशरथ पाटिल साहब के नेतृत्व हमारी गठित हुई थी, एक कमेटी ने जी जान तोड़ के इसके लिए प्रयत्न किए हुए हैं और अथक प्रयत्न किए हुए हैं, और इससे हम सबका ये नाम आने के बाद हमारा हौसला और बढ़ गया है। जो जो यहाँ के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो बाकी प्रश्न जो है 12.5% का, 22.5% का, गौठान का, और ये जो दीन दुबला के जो स्कॉलरशिप का, ये सब के लिए और भी कुछ काम करना है। तो यहाँ विजय मिलने के बाद, जय मिलने के बाद वो काम करने के लिए हमको और उत्साह बढ़ेगा और उसमें भी हम सफल हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि अब सरकार ने कहीं ना कहीं मजबूरी में ये फैसला लिया है, लेकिन फिर भी जीत तो प्रकल्पग्रस्तों की हुई है? आप जो बोलते हैं मजबूरी होने दो, कुछ भी होने दो, जाते जाते मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि अभी जब थोड़ा सा है, इतना टेंशन में है वो कि दो दिन में इतने डिसीजन उन्होंने ले लिए कि जो 2.5 साल में नहीं लिए था उससे डबल बोले तो भी चलेगा, इतने डिसीजन उन्होंने लिए। लेकिन कुछ भी होने दो, ये प्रेशर जो है ये प्रकल्पग्रस्तों का उनके ऊपर था, इसके कारण हुआ है। और थोड़ा सा कैसा भी होने दो, लेकिन हमारे लिए तो खुशी की बात है, उन्होंने जो निर्णय लिया उसके लिए हम उनके आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। सर, इस एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन के साथ साथ बीच में आप लोगों ने प्रकल्पग्रस्तों के तमाम जो प्रलंबित मुद्दे हैं उनको लेकर भी आप आगे बढ़े थे, अब क्या इसका दूसरा चरण शुरू होगा आंदोलन का, जिसमें प्रकल्पग्रस्तों के दूसरे जो लंबित मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए कोशिश होगी? एक बात ऐसा है कि सिर्फ आंदोलन से प्रश्न छूटते ऐसा बात नहीं है। दूसरा पार्ट जो है, बाकी जो जो, जो प्रश्न है अपने प्रकल्पग्रस्तों के, तो उसके लिए हम और जी जान डाल के और ज़्यादा जोर से अभी काम करेंगे और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। पहला तो हमारा काम था, फर्स्ट पार्ट था दीपा पाटिल साहब का नाम देना, सेकंड पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, सवाल है और उसका आंसर लेना है और प्रकल्पग्रस्तों ने करना है, तो दूसरा पार्ट के लिए हम आगे काम चालू करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अब प्रकल्पग्रस्त आपसे बहुत सारे बात किए होंगे, जैसे ये फैसला मीडिया में आया है तो बहुत सारे लोगों का आपके पास फोन आया, किस तरह की उनकी भावना है, क्या फीलिंग उनकी है जो आपके पास एक्सप्रेस है? एक बात है, प्रकल्प से सबको समाधान हुआ है, अभी जिसने काम किया उसको भी हुआ है, जिसने से हिस्सा नहीं लिया उनको भी हुआ है। लेकिन हम बोलते हैं किसने कम किसने ज़्यादा, सदिच्छा तो था, सबके दिल में था कि नाम मिलना चाहिए, तो इसलिए कम ज़्यादा होने दो, लेकिन सबके लिए खुशी है। बहुत बहुत थैंक यू सर। सबके लिए खुशी है, उन सब लोगों के लिए जो या तो आंदोलन में शामिल हुए या तो जो आंदोलन में शामिल नहीं हुए लेकिन वो चाहते थे कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम दिया जाए, और अब सरकार ने इसका फैसला ले लिया है, इसका निर्णय कर लिया है, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद बढ़ गई है, ये खुशी भी बढ़ गई है कि अब नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का ही नाम लगेगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।